हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हो आप सब? तो अभी मैं बस पे बैठी हूँ, हरिद्वार जाऊंगी यहाँ से, देहरादून बस स्टैंड से। मतलब बस पूरी खाली है अभी देखते हैं, दो घंटे लगेगी, उसके बाद मैं पहुँच जाऊंगी हरिद्वार। पता नहीं कुछ कितना टाइम लगेगा उसको। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रहे हैं 10 और मेरी मॉर्निंग अभी हुई है, बहुत ठंड है। अब मैं उठूंगी, फ्रेश होंगी, उसके बाद जाऊंगी कहीं घूमने। तो मैं फ्रेश होती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबको। गुड मॉर्निंग गाइस। तो हरिद्वार में हूँ, जहाँ सभी ईश्वर तक पहुँचने का प्रवेश द्वार इधर से ही होके जाता है, हरिद्वार से, और सबसे पवित्र शुद्ध जगह माना जाता है हरिद्वार को। तो आज मैं यहाँ आई हूँ अपने पाप को धुलने के लिए। जैसे कहते हैं गंगा जी में नहाकर सारे पाप धुल जाते हैं, तो वैसे मैं आज हूँ हरिद्वार में अपने पाप धुलने आई हूँ, जो भी मैंने किया हो ना किया हो व्हाटएवर। तो हरिद्वार में हूँ अभी, मैं होटल में हूँ, यहाँ पे कुछ खाऊंगी, पीऊंगी, चाय पीऊंगी, फिर मैं बाहर जाऊँगी तो आपको भी ले जाऊंगी। लेकिन गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो जरूर एंड तक देखना, और अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। चलो दोस्तों मिलती हूँ मैं आगे, जैसे जो भी होगा बताऊंगी। ये आ चुकी है मेरी गर्म गर्म चाय सुबह सुबह, ये पीऊंगी, तैयार होंगी, फिर मैं जाती हूँ बाहर घूमी घूमी करने, फिर मैं आपको बाहर मिलूंगी। तो मिलती हूँ मैं बाहर। ये बन रहा है मेरा छोले भटूरे, बना रहे हैं वो। ये ऋषिकेश में मैं होटल में खाना खाऊंगी, मेरे छोले भटूरे बन रहे हैं एंड आई एम वेटिंग। तो गाइस मैं हर की पौड़ी जा रही हूँ एंड हरिद्वार आई सिटी से राइट ले सकते हो, उसके बाद आपको 1 किलोमीटर करीब पैदल चलना पड़ता है, पहुँच जाऊँगी। तो मैं अभी रास्ते में हूँ। वाल्मीकि चौक कहते हैं इसको गाइस। तो अभी मैं यहाँ पे रुकी हूँ, मेरा मन करा था लस्सी पीने का, ठंडा ठंडा, धूप हो रखी है बहुत, तो मैं यहाँ रुकी हूँ एंड मैं कूलर लस्सी पीऊँगी, कूलर लस्सी मस्त ठंडे ठंडे चीज। गाइस लस्सी बहुत ज़्यादा गंदा बेकार था, मतलब मेरा पीकर मूड ख़राब हो गया, जिस तरह से मैं हैप्पी थी, फिर यहाँ की लस्सी बहुत ख़राब लगी मुझे हरिद्वार की। आप मत पीना यहाँ लस्सी बिल्कुल भी, मैंने गलती कर दिया, बट चलो ठीक है, अभी तो मैं रास्ते में ही हूँ, एक्सप्लोर करके जा रही हूँ, कुछ अच्छा मिले तो ये शॉप वगैरह है। यहाँ का मार्केट मुझे थोड़ा अलग लग रहा, देख सकते हो आप सारे स्टॉल्स ये सब लगे हुए हैं। कितनी भीड़ दिख रही है भाई, बहुत भीड़ है, रोड भी थोड़ा अजीब सा है, उबड़ खाबड़। कोरोना के टाइम पे भी बहुत भीड़ है गाइस, बहुत ज़्यादा, और बहुत गर्मी भी है, भीड़ ही भीड़ और गर्मी। इधर मंदिर सब है, तो गाइस मैं हरिद्वार में आ चुकी हूँ, और ये देखो गंगा नीचे, और बहुत गर्मी हो रही है, और बहुत ज़्यादा भीड़ है, कोरोना के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैं मास्क सिर्फ अभी उतार रही हूँ, मास्क तो उतारना ही नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, और देख सकते हो कैसा मेला लगा हुआ है। चलो
चलिए चलते हैं आगे लेके जाते हैं आपका। ये कुछ ब्रिज टाइप है तो देखते हैं यहाँ चल के कैसा लगता है। कितने प्रेशर से आ रहा है। ये रहा गंगा नदी और इसका बहाव देख सकते हो कितना ज्यादा है। और ये कुछ ब्रिज टाइप बना हुआ है गाइस। वो देखो शंकर जी का मूर्ति दिख रहा है और इसके बगल में घंटाघर भी है वो भी देख लो आप। तो गाइस आप यहाँ आ सकते हो और अपने पाप को धुल सकते हो गंगा जी में। और भीड़ बहुत है लॉकडाउन में भी, लेकिन सही है आ सकते हो, अच्छा है। तो चलो आगे चलते हैं। इतनी भीड़ है, देखो हमारी खड़ी है, सो मच भीड़। बीच में कुछ लोग आ जाते कभी कभी कोई नहीं। तो ये रहा हरिद्वार, बहुत ज़्यादा भीड़ है, धूप भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है। तो पास से दिखाती हूँ गंगा जी, ये देख लो, ये रहा गंगा जी। यहाँ आपको सारी पूजा की सामग्री मिल जाएगी गंगा घाट तक जाने में। रास्ते में यहाँ पे आपको माला, फूल और प्रसाद वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। तो गाइस हल्दी पौड़ी में मैंने घूम चुकी हूँ, मतलब घूम लिया जो भी जितना घूमना था, और बहुत धूप है गाइस। तो मैंने तो अपने पाप धुल लिए और गंगा जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ बहुत सारी मंदिर है आपको पता ही होगा। तो मैं यहाँ थोड़ी देर बैठूंगी, उसके बाद जा रही हूँ घर। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना गाइस, और आगे मौका मिला तो मैं बना लूँगी ब्लॉग, लेकिन अभी के लिए बाय। और आप भी आओ, ज़रूर आओ, पाप धुलो, अपना दर्शन करो और बहुत पीस और शुद्धता फील होगी। बहुत प्यारी जगह है हरिद्वार। सो या बाय, देखते हैं यहाँ पर कुछ पसंद आएगा। तो गाइस अभी मैं रिक्शे में बैठ गई हूँ और वापस जा रही हूँ देहरादून। और अभी जा रही हूँ मैं ISBT, हरिद्वार ISBT बस से जाऊँगी देहरादून। सो ये रिक्शा राइड हो रहा है मेरा, टेक अ लुक गाइस। सो आपको सोचा मैं कुछ दिखाते जाऊँ शॉप वगैरह।
तो यहाँ पे आपको माला और शंख, स्पेशल शंख बहुत तरह के एंड माले बहुत तरह के आपको दिख जाएंगे। बहुत प्यारा है, मतलब शंख माला और जितने भी पूजा की सामग्री है सब कुछ मिल जाएगी आपको यहाँ पे। आज तो यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत भीड़ भी है गाइस, बहुत भीड़। तो मास्क तो आप आ रहे हो तो ज़रूर लगा कर आओ।